नंबर देखते हैं 10 का 5 नंबर, कह रहा है कि किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण उसके अन्य दो कोणों के योगफल के बराबर है। यदि सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण का एक चौथाई है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग मान लेते हैं कि माना है त्रिभुज ए बी सी में, हम लोग देखिए क्या कह रहा है कि सबसे बड़ा कोण अन्य दो कोणों के योगफल के बराबर है। हम लोग लेते हैं कि ए ही सबसे बड़ा कोण है जो कि अन्य दो कोणों के योगफल के बराबर है, और सबसे सबसे छोटा कोण सबसे बड़े कोण का एक चौथाई, सबसे बड़े कोण का एक चौथाई कौन है, सबसे छोटा कोण है, एंगल सी है, ऐसा हम लोग सपोज कर लेते हैं। यानी कि यहाँ से एंगल ए जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा 4 एंगल सी के, है ना जी। अच्छा, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा ना, या लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए तो ए बी सी तीनों का योग 180। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि एंगल ए जो है ना इक्वल है बी और सी के योग के, तो बी और सी की जगह ये लिख देते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ 2 एंगल ए इक्वल टू में 180 डिग्री, ये जाएगा भाग में, तो ए का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर कितना, 90 डिग्री, एंगल ए आ गया 90। अच्छा, एंगल ए 90 आ गया, तो हमें अगर मान लो एंगल सी निकालना है तो क्या है, 1/4 ऑफ एंगल ए है कि नहीं, 1/4 ऑफ एंगल ए यानी कि 90। अब इसे हम लोग यहाँ पर इसे काट सकते हैं 2 और यहाँ पर 45, यानी कि 45/2 डिग्री हो जाएगा एंगल सी, या फिर 22.1/2 डिग्री हो जाएगा, है ना जी। चलिए एंगल सी भी निकल गया, अब बच गया एंगल बी ना। अच्छा, हमारे पास ऊपर एंगल बी प्लस एंगल सी जो है ना एंगल ए के बराबर है, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी की जगह पे 45/2 डिग्री, और एंगल ए जो है एंगल ए कितना है आपका, 90 डिग्री है, ये इधर ले जाके घटाते हैं तो एंगल बी इक्वल टू में हो जाएगा 90 और माइनस का 45/2, एंगल बी बराबर में हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं 2, 180 माइनस का 45 आ जाएगा एंगल बी बराबर में आ जाएगा 135/2 डिग्री, यानी कि आ जाएगा एंगल बी बराबर में 67.1/2 डिग्री। ठीक है, तो हमने तीनों एंगल निकाल दिया, यानी एंगल ए जो था वो आपका था, पहला एंगल ए जो था 90 डिग्री, एंगल बी जो था कोई भी कोण हो सकता है, एंगल बी जो है 67.1/2 डिग्री, और एंगल सी जो है वह कितना है एंगल सी, तो एंगल सी जो है आपका एंगल सी 22.1/2 डिग्री, तीनों हमने निकाल दिया, समझ गए। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.रविकांतसर.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।